आज आप जो कर्म कर रहे हैं ये ही आपको नरक ले जाएंगे, यही कर्म आपको स्वर्ग ले जाएंगे और यही कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाएंगे। लोग कहते महाराज पितृलोक कहां पर है? पितर उन्हें कहते हैं जो कर्म का भोग नहीं अभी कर रहे, किसी न किसी कर्म के कारण अभी वो बैटिंग हॉल बोल दो एक तरह से कंफर्मेशन नहीं हुआ, उनको कोई शरीर नहीं मिला या मिल भी गया वो देव बन गए तो उनको इसलिए तीन प्रकार का तर्पण होता है, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण। यदि वो देव बनेंगे तो आपका जल अमृत बनकर उनको मिलेगा। आप यहां जल दे रहे हैं और जिस योनि में होंगे जिस कर्म के अनुसार पितर यदि मोक्ष, इसीलिए लोग कहते हैं हमारा पितरों को उतारो पितरों को उतारो, क्यों उतारो? क्योंकि उनको कर्म का मोक्ष नहीं मिला ना, अब वो किसी योनि में पड़े हैं, अब वो योनि में पड़े हुए अपने कर्म को नहीं सुधारते, केवल मनुष्य योनि ही व्यक्ति के जीवन को सुधार सकती है।